जम्मू जाने वाले यात्रियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के लिए उनका टेस्ट होना जरूरी है और वो दो दो दिन से सिविल अस्पताल पठानकोट में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनके टेस्ट हों और वह अपने घरों को लौट सकें। और परेशान हो रहे हैं, बस वाले ने हमें जम्मू तक की टिकट ली थी, हमसे पैसे लिए थे, उन्हें लखनपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया और छोड़ के भाग गया। दूसरी बार लखनपुर बॉर्डर पे हमने पर्ची बनवाई, वहाँ उन्होंने साइन करके एक पर्ची दी और बोले परसों नंबर आएगा, अभी हमारे परसों के नंबर पड़े। फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए, 100-100 रुपये किराया लगा के सारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ से सुबह से लाइन में लगे हुए थे वहाँ पर, अब वहाँ से उन्होंने बोला एमरजेंसी में 2 बजे बंद कर दी, 2 बजे के बाद यहाँ पर एमरजेंसी भेज दी। एमरजेंसी वाले कह रहे अब कल होगा काम भी, कल 10 बजे आ रहा। इतना परेशान कर रखा है, ना परेशान हो रहे ना इधर के ना उधर के, ना वहाँ पर पानी सानी खाने पीने का, लोग कितने परेशान वहाँ पर है, परेशान कर रहे। रात को रोड पे सो रहे थे, वहाँ पर कोई ना तंबू ना कुछ था जी, ऐसी परेशान, ना वहाँ पर खाने की कोई सुविधा थी ना कोई चीज़। और अब किराया अपनी जैसे लगा रहे, जो जो जरा सा पैसे बचे हैं वो भी और खर्च हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमने जम्मू वैसे भी जाना था, कहीं ना कहीं कहाँ घर जाना था, कहीं कहीं जाना था अलग अलग। मैं सर जिला रामपुर यूपी का रहने वाला हूँ और मैं जम्मू के लिए घर से निकला हूँ अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, रोजी रोटी के लिए। और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ छोटी हैं, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है और किसी तरह का मेल मजदूरी के अलावा कोई हिला कोई सहारा नहीं है। तो कल के आ गए हम यहाँ पर, कल से जो हमारा यहाँ नंबर लगा लगा के पर्ची के लिए परेशान दुखी है और तमाम, अभी सुबह से शाम हो गई, 5 बजे से नंबर लगा के बैठे हैं, अभी भी नंबर हमारा पर्ची के लिए नहीं आया है। भूखे प्यासे अपने खून के आंसू, अपने खून के आंसू बहा रहे हैं, अपना हमारा दिल अंदर अंदर रो रहा है, हम आंखों से नहीं रो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सर कि हमारी ये गरीबों की और ये हमारे जो परदेशी हैं मजदूरों की, हमारी यहाँ इस अस्पताल से जो है ये परेशानी हल हो जानी चाहिए। हम इस अस्पताल का और इस पठानकोट के अस्पताल का, यहाँ पंजाब का जो है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के मीडिया वालों का, यहाँ का डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारी परेशानी मुश्किल हल हो जाएगी। मैं जमालुद्दीन झारखंड से जम्मू जा रहे थे किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर के, और उसमें ड्राइवर और कंडक्टर को जो है वहाँ से पास बन गई और हमको बोला गया कि ये आपका पुराना है नहीं चलेगा। जो मैं दिखाया कि मैं हिमाचल गया था श्रीमान और वहाँ से मैं वापस हुआ हूँ, यहाँ के लिए मैं कारोबारी हूँ और फिर यहाँ ऑटो बुक करके मैं आया। कोई भी अपना सीमित खर्च लेके आता है कहीं से और उसका यहाँ आने जाने में इतना लोगों, हजारों लोग आ रहे हैं जो कोई कैंप नहीं है, कोई जांच का साधन नहीं है, कोई पानी का साधन नहीं है और आदमी भटक रहे हैं, मर रहे हैं और वहाँ सिर्फ पैसा और पैसा का खर्च है। अब यहाँ पैसा, अब फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मैं तो एक सरकारी तंत्र होने के नाते, सरकारी मेडिकल होने के नाते मैं यहाँ आया कि यहाँ सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। पत्रकार बंधुओं से अपील है और यहाँ के मेडिकल विभाग के जो भी कर्मचारी हैं और जो ऊंचे पद पे हैं, वो जल्द से जल्द हम लोग को जो भी कागजी प्रक्रिया है करके हम लोग को जहाँ जिस जगह तक जाना है भेजने का कृपया करें। और इसी के साथ मैं अपना बात